वेरी स्पेशल गुड इवनिंग बच्चों, मैग्नेटिक ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। आज के लेक्चर में बच्चों बात करेंगे इसमें कि जो मूविंग चार्ज है उसका पाथ कैसा हो। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वह कैसा ऐड करेगा, उसके डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। स्क्रू लो मैंने आपको बताया, मैंने राइट हैंड रूल बताया, राइट हैंड पाम लो बताया, फ्लेमिंग का लो देखा अपने, न्यूमेरिकल सॉल्व करें, ठीक है ना। आज जो अपन बच्चों बात करेंगे इसमें, इस वाले लेक्चर में, तो इसमें बच्चों अपन बात करेंगे इसके पाथ के बारे में, ठीक है। ठीक है, पाथ ऑफ ए मूविंग, हेडिंग लिखो बच्चों पाथ, ठीक है, पाथ ऑफ ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तीन पाथ के बारे में बच्चों बात करेंगे, ठीक है। तीन पाथ आएंगे इसमें, कोई डाउट नहीं है। एक आएगा बच्चों अपने पास में स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक आएगा सर्किल, और एक बच्चों इसके अंदर आएगा हेलिकल। क्या आएगा? हेलिकल आएगा, यानी कि या तो स्ट्रेट लाइन पाथ करेगा या फिर घूमेगा, या फिर उसका पाथ ऐसे होगा सर्किल। तो इन पाथ के बारे में अपन को बात करनी है कि आपके पास में क्या है बच्चों, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, मूव करता हुआ। तो जब ये मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका पाथ कैसा होगा? तो या तो देखो वो मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मूव करेगा तो क्या होगा, या फिर बच्चों वो सर्कुलर मोशन करेगा। अब जो सर्कुलर मोशन करेगा तो उस सर्कुलर मोशन की अपन को रेडियस निकालनी है, टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, या फिर वो मूव करेगा हेलिकल में। जब हेलिकल में जब वो मूव करेगा तो इस हेलिकल के अंदर बच्चों आपको क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है, और बच्चों आपको क्या निकालनी है, पिच निकालनी है। क्या निकालनी है? पिच के बारे में, ठीक है। तो देखो वन बाई वन अपन बच्चों बात कर लेते हैं, वन बाई वन इसकी तीनों पाथ के अपन में बात करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ठीक है, फिर इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बच्चों अपन, इसके न्यूमेरिकल लेंगे अपन इसके, ठीक है। इसमें केस, तीन केस के मैं बात कर लेता हूँ। पहला केस देखो, पहला केस बच्चों ऐसा है, ये आपको दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है इस तरीके से, आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है, और चार्ज पार्टिकल जो है वो ऐसे मूव करता है। तो बताओ बच्चों चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है तो थीटा कितना होगा बच्चों? जीरो होगा। थीटा जो है बच्चों वो है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, वी यानी कि वेलोसिटी यहाँ पर। तो यहाँ पर थीटा कितना रहेगा? जीरो रहेगा। या अगर थीटा अगर जीरो रहेगा तो इसमें कोई डाउट नहीं, मैं बता चुका हूँ कि बच्चों इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा होता है। कितना होता है? क्यू वी बी साइन थीटा होता है। तो अगर मैं थीटा को जीरो रखूंगा तो साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। और फोर्स जीरो है तो बच्चों एक्सीलरेशन भी कितना होगा? जीरो होगा। यानी कि वेलोसिटी कैसी रहेगी इसकी? कॉन्स्टेंट रहेगी। तो पार्टिकल जो है वो कैसा मूव करेगा? पार्टिकल जो है इसमें जो चार्ज पार्टिकल है बच्चों वो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो इसमें आप लिख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज क्यू मूव्स विद कॉन्स्टेंट मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन पाथ। पाथ कैसा होगा बच्चों? उसका स्ट्रेट लाइन होगा और बच्चों वैसे मूव करेगा। देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वैसे का मूव करता जाएगा कॉन्स्टेंट स्पीड से। अगर मान लो थीटा 180 हो, मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव पार्टिकल है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मूव कर रहा है। अगर मान लो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना, इसमें थीटा कितना है? 180 है। तो चाहे थीटा 0 हो चाहे 180 हो, दोनों में कहानी एक ही है। चाहे थीटा 0 हो चाहे 180 हो, वो मूव कैसा करेगा? स्ट्रेट लाइन में। कैसा मूव करेगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो ये पहला केस हो गया जिसमें इसका पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। समझ में आया कि नहीं है बच्चों? पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। मैग्नेटिक फील्ड लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड तभी लगेगा जब थीटा क्या नहीं हो? जीरो नहीं हो और 180 नहीं हो। जीरो और 180 के अलावा कुछ भी हो चलेगा, लेकिन जीरो या 180 नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिख लिया ये। अब दूसरा केस की बात करते हैं अपन। अब देखो दूसरा केस भी अच्छा केस है, इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं अपन।
ठीक है, तीनों केस ले लेते हैं एक साथ ही। तो सेकंड केस जो है, क्योंकि अपन को देखो ये कंफर्म है तीन केस बनेंगे, क्योंकि तीन पाथ बनेंगे, ये तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, या इसका सर्किल होगा सर्कुलर मोशन करेगा, या हेलिकल पाथ होगा उसका। ठीक है, अब थीटा जो बच्चों मैं 90 ले लेता हूँ, थीटा 90 का मतलब पार्टिकल जो है वो 90 डिग्री पर एंटर कर रहा है इसमें, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों। कैसा फील्ड है ये? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और इसमें क्या है कि आपका जो पॉजिटिव पार्टिकल है, ठीक है ना, इसमें बच्चों आपका पॉजिटिव पार्टिकल, ठीक है, मान लो ऐसे मूव कर रहे हैं वी वेलोसिटी से, तो बताओ बच्चों फोर्स किधर कैसे किधर लगेगा? फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे? राइट हैंड पाम लो, इसको देखो फोर्स में रखो, अंगूठा देखो वेलोसिटी में, ठीक है, सॉरी इसको रखो मैग्नेटिक फील्ड में, बी, ये बी मैग्नेटिक फील्ड में है, धानकना बी जो है वो कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड। और हमेशा धानकना ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, तो ये तो हो गया बी, और वी हो गई बच्चों वेलोसिटी, तो इसमें बच्चों फोर्स किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? ऊपर। अब मैग्नेटिक फोर्स बच्चों जो ऊपर लगेगा, तो ये मैग्नेटिक फोर्स क्या काम करेगा? इसकी डायरेक्शन को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। ये जो मैग्नेटिक फोर्स आपको दिख रहा है ना, ये वाला देखो बच्चों, ये वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये इसके डायरेक्शन को क्या कर देगा? चेंज कर देगा, ठीक है ना, ये इसके डायरेक्शन को ऐसा कर देगा यूं, ठीक है ना। और जैसे ही पार्टिकल यहाँ आएगा, उसके बाद इसमें फिर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इधर सेंटर की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा इधर लगेगा। देखो ये, देखो ये इसकी वेलोसिटी है, इधर पार्टिकल यूं आया, वेलोसिटी इधर, तो ये देखो ये बी वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? इधर, तो पार्टिकल यूं जाएगा, उसके बाद पार्टिकल फिर घूम जाएगा। अब जैसे पार्टिकल बच्चों यहाँ आएगा, तो ये देखो ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स कितना लगेगा? इधर लगेगा। तो ओवरऑल इसका जो पाथ होगा बच्चों, इसका पाथ कैसा होगा? यूं सर्कुलर होगा, पाथ जो है इसका क्या होगा? सर्कुलर होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव कर रहा है, इसका पाथ क्या होगा? सर्कुलर होगा। और हमेशा देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है, देखो किधर लग रहा है? सेंटर की तरफ लग रहा है। जब ये पार्टिकल इधर आएगा तो भी चेक कर लो, देखो ये बी अंदर की तरफ, फोर्स इधर, इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर लगेगा? अंदर की तरफ। तो इसमें देखो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स सेंटर, टूवर्ड्स सेंटर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों वो कर रहा है प्ले रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। किसका रोल प्ले कर रहा है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है, दिख रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड? ठीक है, अलग से चौक लूँ, कलर चौक लूँ मैं, तो आप देख लो जब यहाँ आया तो मैग्नेटिक फोर्स इधर था, यहाँ आया, ठीक है, जब यहाँ आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर था, यहाँ आया तो इधर था, यहाँ आया तो इधर था, तो हर केस में देख लो मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है? सेंटर की तरफ लग रहा है। अब जब आपका चार्ज पार्टिकल यहाँ आएगा वी वेलोसिटी से, तो भी देख लो ये क्रॉस, ये देखो इधर लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो हर एक में, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक जो फील्ड है वो किधर लगेगा? सेंटर की तरफ लगेगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एट टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्किल, यानी कि बच्चों बताओ उसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्पीड क्या रहेगी इसकी? कांस्टेंट रहेगी। स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। और जब भी आप ऐसे बोलोगे वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो रही है, यानी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर थी, यहाँ देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी लेफ्ट साइड में, यहाँ देखो नीचे होगी, यानी कि ये कौन सी हो गई? ईस्ट में हो गई, ये वेस्ट में हो गई, इधर देखो नॉर्थ में, इधर आएगी साउथ में। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। भाई स्पीड कांस्टेंट रहेगी तभी तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? जीरो। मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा? जीरो। स्पीड कौन सी है? कांस्टेंट है। और ये कैसा है? सर्कुलर मोशन है बच्चों। कैसा है ये? सर्कुलर मोशन है। अब ये सर्कुलर मोशन है तो इसमें बच्चों अपन फाइंड करेंगे, ठीक है, क्या फाइंड करेंगे? फाइंड करेंगे क्या? रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रेडियस यानी कि त्रिज्या, टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवर्ती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि कोणीय आवर्ती, ये बच्चों अपन को फाइंड करनी है। अब देखो ये फाइंड करते हैं अपन, पहले इसको लिख लो, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर अपन बढ़िया से फाइंड करते हैं इसको, ठीक है।
लिख लिया बच्चों इसको, और थीटा दानगना 90 है, थीटा कितना है 90 है। ये थीटा पता है ना किसके बीच में है, ये थीटा, थीटा है बच्चों बिटवीन वेलोसिटी एंड बी। तो देख लो वेलोसिटी, देख लो ऐसे है, वेलोसिटी देखो ऐसे है, और बी देखो प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, ठीक है ना। एंगल में बच्चों कंफ्यूज मत होना, एंगल में कंफ्यूज मत होना। देखो ये बी है, बी तो है अंदर की तरफ, ठीक है, वेलोसिटी है इधर, तो ये ऐसा है, और अब इसमें देखो एंगल 90 डिग्री, एंगल कितना है 90 डिग्री है ये, तो एंगल का ही सारा खेल है इसमें, इसमें एंगल में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं इसकी रेडियस, रेडियस के बारे में अपन बात कर लेते हैं, और ये ध्यान में रखना ये सेंटीपेटल फोर्स का रोल प्ले करेगा, सेंटीपेटल जो फोर्स है उसका रोल प्ले करेगा ये। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है क्यू बी साइन थीटा, और इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा वो आएगा क्यू वी बी साइन 90 कितना हो जाएगा 1, और इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स होता है बच्चों ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स होता है, और इसका जो पाथ होगा ऐसे होगा, सर्कुलर मोशन होगा ये, ठीक है, और ये ऐसे इसने मूव करा था। मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाई दो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखा देना साथ में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आने का यूनिफॉर्म रखना, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये ऐसे मूव कर रहे हैं, और ये इसकी वेलोसिटी है बच्चों, ये यहाँ आया जब ये वेलोसिटी ऐसे होगी, ये इसका सेंटर है, तो ये सेंटर की तरफ लग रहा है बच्चों क्या, ठीक है। और ध्यान से देखें ये चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, इसका मास क्या है m, इसका मास क्या है m। अब मेरे को ये बताओ सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है, ठीक है बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स को बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन बैलेंस करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कौन करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको बैलेंस कौन करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो कितना होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। आर क्या है बच्चों, इसकी रेडियस है, ठीक है, आर बच्चों इस पाथ की क्या है रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है आर, और ये ऐसे मूव कर रहे हैं पार्टिकल, ठीक है, किधर मूव कर रहा है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स कितना है क्यू बी। तो जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बैलेंस कर दो, इन दोनों को बैलेंस कर दो, कि मैग्नेटिक फोर्स को बच्चों बैलेंस कौन करेगा एफ बी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी से वी गया तो आपके पास में रेडियस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी, ये फॉर्मूला आ गया बच्चों किसका, रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस आ गया। अब टाइम निकालते हैं, इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो बच्चों जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है, होता है। तो स्पीड कितनी है वी, मैं निकाल रहा हूँ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, एक साइकिल का मतलब बच्चों यहाँ से चला और यूं होते हुए यहाँ आया, तो जब ये पार्टिकल यहाँ से चलेगा और वापस जब यहाँ आएगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसकी पेरिफेरस के इक्वल 2πr, कितनी चलेगा बच्चों 2πr, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2πr अपॉन वी, ठीक है। स्पीड कॉन्स्टेंट होती है तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल जब कांस्टेंट होती है तो उसका फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं अपन, क्या फाइंड कर रहे हैं टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया टाइम रिक्वायर इन वन साइकिल। तो जब ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा, मान लो कहीं से भी चलेगा, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2πr, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दानकना जीरो होगा लेकिन डिस्टेंस कितनी होगी 2πr, ये हो गया बच्चों 2πv, और r की वैल्यू रख दो, r की वैल्यू बच्चों ये रही एम वी अपॉन क्यू बी, वी से वी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2πm अपॉन क्यू बी, ये फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों अपने पास में किसका टाइम पीरियड का। और एक बात और देखना, टाइम पीरियड बच्चों वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही, यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी भी बढ़ा दो, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी भी बढ़ा दो, मैं कहता हूँ बच्चों इसके पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर 10 है, इसको 2 सेकंड लगे, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है 10 है, इसको चक्कर करने में कितने लगे 2 सेकंड लगे। अब मान लो मैं वेलोसिटी 100 कर दूँ, वेलोसिटी कितनी कर दूँ 100 कर दूँ, टोटल भी टाइम पीरियड कितना लगेगा 2 सेकंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम पीरियड जो होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, यानी टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 0, ये फिजिक्स में इसका मतलब ये होता है टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, पावर में 0 है ना, इसका मतलब पावर कितनी इसकी क्या हो गया 1,
तो ये मैथमेटिक्स में मैंने लिखा है कि टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसको नोट कर लें बच्चों, ये इसको नोट कर लिया, नोट कर लो इसको, नोट कर लिया। अब मैं इसी केस में टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी की बात कर लेता हूँ भाई, फ्रीक्वेंसी आवर्ती। तो देखो फ्रीक्वेंसी जो होती है अपने पास में, फ्रीक्वेंसी जो होता है एफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/T होता है, तो टाइम का उल्टा जो होगा वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी बच्चों कितना हो जाएगा, qb/2πm, कितना हो जाएगा, 2πm फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोले तो क्या, आवर्ती, 1/T, कितना हो गया, 1/T, ठीक है। तो टाइम पीरियड आ गया अपने पास में, फ्रीक्वेंसी आ गई। नेक्स्ट कौन सी बच्चों, बच्चों अपने पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या बची, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले तो क्या, कोणीय आवृत्ति, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। फॉर्मूला क्या होता है, 2πf, फॉर्मूला क्या होता है, 2πf, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, 2π, और f कितना हो गया बच्चों, qb, और ये कितना हो जाएगा, 2πm, तो 2π से 2π गया, तो ये हो जाएगा qb/m, ठीक है। ज्यादा जो काम में आएगा वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला काम में आएगा, और बच्चों किसका फॉर्मूला काम में आएगा, रेडियस का काम में आएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना, सर्कुलर पाथ कब होगा, जब वो परपेंडिकुलर एंटर करेगा 90 डिग्री के साथ में, समझ में आ गया, इसको नोट कर लें इसको। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो आगे की कहानी, आगे क्या होता है, आगे क्या होता है। आज सावन का महीना चल रहा है, मस्त बारिश हो रही है बच्चों, बाहर शानदार मौसम, ठीक है, बारिश के मजे ले रहे हैं लोग, ठीक है। अब एक नोट लिख लो इसमें, नोट क्या, देखो आर जो होता है ना रेडियस, इसका फॉर्मूला होता है mv/qb। एम क्या होता है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। मैं यहाँ पर मीनिंग भी लिख देता हूँ साथ साथ में, अगर मान लो किसी को एम के बारे में नहीं मालूम हो, तो देखो क्यू तो होता है चार्ज, बी के बारे में मैग्नेटिक फील्ड, वी वेलोसिटी होती है, एम होता है अपने पास में मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो आवेशित कण है उसका मास हो गया, ठीक है बच्चों। एम इंटू वी क्या होता है, पी, नाम सुने हैं पी का, पी, पी का मतलब मोमेंटम, संवेग, हिंदी में कहते हैं इसको संवेग, 11th क्लास में पढ़ा होगा, पी इक्वल टू एम वी, संवेग। तो एक फॉर्मूला बन गया ये। अब एक फॉर्मूला और देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m, तो यहाँ से p का फॉर्मूला क्या आएगा, 2m, और साथ में ये आ जाएगी बच्चों काइनेटिक एनर्जी, साथ में क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी को k से दिखा देता हूँ मैं, के ई क्यों लिखे, काइनेटिक एनर्जी k। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वैसे तो ये फॉर्मूला आपको बताना चाहिए 11th में, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है कि नहीं होता है, ऊपर नीचे m की मल्टीप्लाई कर दो, m का डिवाइड कर दो, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो ये m क्या हो गया बच्चों, m का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया mv का स्क्वायर, यानी कि p का स्क्वायर, ये 2m, ये क्या हो गया 2m, ये क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी। बहुत फेमस फॉर्मूला है 11th क्लास में, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m, तो मैं p की जगह बच्चों क्या लिख सकता हूँ, 2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय qb। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ साथ में कि k क्या होता है, k होता है बच्चों काइनेटिक, भाई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी इसके पास में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज। तो एक फॉर्मूला ये बन गया, ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है, काम में बहुत आएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे, जब अपन इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब काम में आएंगे अपने पास में ये, ठीक है, लिख लिया, हाँ या ना। एक फॉर्मूला और देखो इसमें, ये कि इफ पॉजिट, इफ क्यू चार्ज, इफ क्यू चार्ज इज एक्सीलेटेड विद वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, आप उसको क्या कर रहे हो, एक्सीलेटेड कर रहे हो, किस पोटेंशियल से, वी नॉट से। भाई आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो किधर फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है, करंट किधर फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होती है। तो आपने कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपने मेंटेन करा, तो जैसे पार्टिकल क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड हो जाएगा। तो इसमें जो आपके पास में बच्चों जो वर्क डन होता है, ठीक है, वर्क डन जो होता है बच्चों वो क्या होगा, क्यू वी
नॉट, और वर्क डन, जो वर्क डन होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम से, किस थ्योरम से, वर्क एनर्जी थ्योरम से बच्चों जो वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्यू वी। चेंज इन काइनेटिक होती है के टू माइनस के वन इज इक्वल टू क्यू नॉट। अगर मैं मान लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं जीरो कंसीडर करता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कि इनिशियल में पार्टिकल मेरा रेस्ट कंडीशन में था, उसके बाद में उसने मोशन करना स्टार्ट करा, तो मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्यू वी नॉट। काइनेटिक एनर्जी क्या जाएगा, क्यू वी नॉट। तो यहाँ से देखो वैल्यू पुट कर दो, टू एम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, क्यू वी नॉट डिवाइडेड बाय क्यू बी। मैं इसको क्यू से क्यू कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, तो ये इसके इतने सारे फॉर्मूले बन गए। ये तो ये फॉर्मूला जो है आर का, ये फॉर्मूला आपको पता है एम वी अपॉन क्यू बी कैसा आया, मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करा किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स से, फिर एम वी की जगह मैंने क्या लिख दिया, पी लिख दिया, फिर पी का फॉर्मूला आपको पता है टू एम के होता है, ठीक है, फिर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्यू वी होती है। तो इतने सारे फॉर्मूले आपके पास में यहाँ बन गए, ठीक है, इसको बच्चों नोट करो। फिर अपन बात करते हैं इसकी थर्ड केस की, बात करते हैं इसकी थर्ड केस की। और मैं सोचता हूँ कि थर्ड केस से पहले बच्चों क्यों ना एक न्यूमेरिकल, दो तीन न्यूमेरिकल कर लिए जाए, ठीक है, इसको नोट करो, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल करते हैं। पहले मैं पानी पीता हूँ, जब तक मूव कर लिया, मूव किया सॉरी बच्चों, नोट कर लिया। देखो कर लिया बच्चों नोट, ठीक है। इसका तीसरा केस और रह गया है हेलिकल का, तो हेलिकल से पहले मैं चाहता हूँ इसके एक दो न्यूमेरिकल अपन सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इसके। एक नोट और लिख लो, देखो बच्चों नोट नहीं है, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको। तो देखो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, येलो सॉल्व ले लेता हूँ मैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, देखो बच्चों आपको क्रॉस में ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, और एक मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ये दिया हुआ है क्रॉस में से, ठीक है। मैं आपको कुछ एक्सप्लेन जो चीज़ करने जा रहा हूँ ये न्यूमेरिकल में काम आएगी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये दानगना है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये भी आपके पास में जो आपको दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड है, और कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको ये कर रहा हूँ कि मान लो कि आपके पास में ये एक पॉजिटिव पार्टिकल ऐसे एंटर होता है, ठीक है, और ठीक है, और ये एक नेगेटिव पार्टिकल है, एक ये मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो आपको ये देखना है कि ये तो कन्फर्म है ये सर्कुलर मोशन करेंगे, ये सर्कुलर मोशन तो करेंगे लेकिन क्लॉकवाइज करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इसमें भी देख लो, जैसे मान लो, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ये पॉजिटिव पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है इसमें, ठीक है, और ये नेगेटिव पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है इसमें, ये नेगेटिव पार्टिकल। तो डायरेक्शन बताओ मेरे को फटाफट, देखो राइट हैंड रूल से ये क्रॉस में है, ये करंट की डायरेक्शन, राइट हैंड लो मालूम है कि भूल गए, राइट हैंड लो ये कहता है कि ये हाथ को सीधा रखो, ये बी, ये करंट, तो पाम किसको दिखाएगा, फोर्स को, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। देखो ये सबसे पहले बी को सेट करोगे, बी किधर है, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड, फिर पॉजिटिव पार्टिकल इधर जा रहा है तो करंट भी इधर फ्लो होगी, थंब को इधर कर दो, तो आपका आपकी देखो पाम जो है ऊपर जा रही है, यानी कि फोर्स किधर लगेगा बच्चों, इसमें बताओ फोर्स किधर लगेगा, इसमें फोर्स इधर लगेगा, अगर इधर फोर्स लगेगा तो ये ऐसे घूमेगा, किधर घुमा, क्लॉकवाइज घुमा कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, हमेशा ध्यान रखना हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। नेगेटिव के लिए देखो, ठीक है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, नेगेटिव पार्टिकल के लिए देखो ये बी, वेलोसिटी इधर है इसका मतलब करंट इधर फ्लो होगी, तो इसमें देखो बच्चों फोर्स किधर लग रहा है, इसमें देखो बच्चों फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो देखो फोर्स इधर लग रहा है ना, तो इसके बीच में से ऐसे, यानी कि बच्चों ये किधर जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा, किधर जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा, इसमें देखो देखो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर ऐसे, ठीक है, फोर्स देखो किधर लग रहा है, ऊपर, ठीक है, फोर्स इधर लग रहा है ऊपर, सॉरी फोर्स नहीं यार, मैग्नेटिक फील्ड देखो प्लेन के परपेंडिकुलर है आउटवर्ड, तो बी इधर हो गया, पॉजिटिव पार्टिकल इधर जा रहा है यानी कि करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो होगी, तो ये करंट हो गया, तो देखो फोर्स किधर लगेगा, नीचे, हथेली नीचे आ रही है ना, चौक देखो नीचे जा रही है कि नहीं जा रही, ठीक है, तो इसमें आपका मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नीचे लगेगा, यानी कि बच्चों ये किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज,
क्रॉस वाले में देखो ये एंटी क्लॉकवाइज था, किधर था, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें देखो क्या हो गया, क्लॉकवाइज। इसमें देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, पॉजिटिव पार्टिकल इधर आ रहा है, पॉजिटिव पार्टिकल इधर मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, पॉजिटिव पार्टिकल इधर आ रहा है तो करंट कैसे फ्लो होगी इधर, तो ये देखो ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड हो गया आउटसाइड बाहर की तरफ और करंट हो गई ऐसे, तो पाम देखो ऊपर है, पाम किधर है ऊपर, तो फोर्स उस पर किधर लगेगा ऊपर की तरफ, फोर्स किधर लगेगा ऊपर की तरफ, तो देखो ये किधर जाएगा इस बार एंटी क्लॉकवाइज, किधर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा बच्चों, किधर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसको याद नहीं करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बस आपको ये आना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस है, कैसे भी मूव करो इसमें देखो दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसे भी मूव करो, मैंने इधर मूव कराया अगर मान लो पॉजिटिव पार्टिकल इधर भी मूव करता है ना, तो इसमें भी देख लो ये पॉजिटिव पार्टिकल है इधर मूव कर रहा है, तो देखो इसमें फोर्स इधर लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, तो जिधर फोर्स लगेगा ये वी वेलोसिटी ऐसे करेगा, करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज ही, तो इसमें कंफ्यूज मत होना सर, ये तो ओरिजेंटल मूव कर रहे हैं, किधर भी मूव करो है तो परपेंडिकुलर ही ना, वेलोसिटी देखो बी के परपेंडिकुलर ही रहेगी, अगर ऐसे भी पॉजिटिव पार्टिकल मूव कर रहा है फोर्स इधर लगेगा इधर मुड़ेगा, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज ही करेगा, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसी पर मेरा बेस है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी पर मेरा बेस है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो सॉल्व करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास में फोर पार्टिकल है, फोर पार्टिकल है, कौन से बच्चों, ए बी सी डी, और मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसा गिवन है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, अगर मैं यूनिफॉर्म नहीं भी बनाता हूँ तो ये भी यूनिफॉर्म है, ध्यान में रखना क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम करता है यार ये बनाने में, ठीक है, और यहाँ से मैंने चार पार्टिकल को एग्जीक्यूट करा, एक पार्टिकल जो था बच्चों बिल्कुल सीधा चला गया, ठीक है, एक पार्टिकल बिल्कुल सीधा चला गया, ठीक है, बाकी के जो दो पार्टिकल हैं, ठीक है, और एक पार्टिकल ऐसे गया मेरा डी पार्टिकल, ये सी पार्टिकल, और बाकी के जो पार्टिकल हैं मेरे पास में, बाकी के जो पार्टिकल हैं, ठीक है, एक पार्टिकल ऐसे गया, एक ऐसे गया, ये वाला पार्टिकल मेरे पास में ए, ये वाला पार्टिकल बी, ए हो गया बी हो गया, और ये चार पार्टिकल बच्चों कौन कौन से हैं, ये चार पार्टिकल, ये चार पार्टिकल हैं न्यूट्रॉन, एक है बच्चों अपने पास में ये प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन है एक प्रोटॉन है, और बच्चों एक क्या है इलेक्ट्रॉन है, और एक क्या है अल्फा पार्टिकल है, क्या है अल्फा पार्टिकल है, आपको बच्चों इसमें आइडेंटिफाई करना है, इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा न्यूट्रॉन है कौन सा प्रोटॉन है कौन सा इलेक्ट्रॉन है कौन सा अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच पार्टिकल, ठीक है, कौन सा, यानी कि विच पार्टिकल इज अल्फा एंड विच पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन एंड विच पार्टिकल इज प्रोटॉन, ठीक है, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि, ठीक है, देखो आइडेंटिफाई करते हैं, देखो वन बाई वन आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना, ठीक है, कोई तुक्का नहीं मारेंगे, क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते हैं, देखो ये पार्टिकल देखो बिल्कुल सीधा चला गया, यहाँ से एग्जीक्यूट हुआ बिल्कुल सीधा चला गया, यानी कि बच्चों इस पार्टिकल पर ये वाला जो पार्टिकल है इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगा जीरो, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, वेलोसिटी है, ध्यान रखना वेलोसिटी है, मूव कर रहा है, ठीक है ना, वेलोसिटी है मूव कर रहा है, वेलोसिटी है बी भी है, ठीक है ना, और वी बी के क्या है परपेंडिकुलर भी है, बच्चों मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा, ये होता है, ठीक है, तो इस सी वाले पार्टिकल के पास में देखो वेलोसिटी है बी भी है, थीटा कितना है 90 है, थीटा कितना है 90, ठीक है ना, वी बी के परपेंडिकुलर है, धानगना इसमें बार बार बोर्ड को देखे यू मत सोचना कि यार वी और बी में एंगल कितना होगा, बी देखो बी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, ठीक है, और वी देखो इस प्लेन में है, तो वी और बी में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में एंगल 90 है, लेकिन फिर भी ये पार्टिकल डिफ्लेक्टेड नहीं हो रहा है, इसका मतलब सी जो है वो कैसा पार्टिकल है बच्चों, न्यूट्रल पार्टिकल है, कैसा पार्टिकल है न्यूट्रल पार्टिकल, अब चारों में से देख लो न्यूट्रल कौन सा होता है, न्यूट्रॉन होता है कि नहीं होता है, तो इसका मतलब सी जो है वो किसका रोल प्ले कर रहा है न्यूट्रॉन का, ठीक है, अब ये देखो बच्चों ये पार्टिकल देखो चार्ज मालूम है ना, इस पर चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, इस पर चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन, इस पर क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है, अब ये दोनों देखो पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो ये दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, या दोनों क्लॉकवाइज जाएंगे या दोनों एंटी क्लॉकवाइज देंगे, तो ये दो पार्टिकल देखो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि इसमें से एक प्रोटॉन है और एक अल्फा है,
यानी कि डी कौन सा हो गया फिर, इलेक्ट्रॉन। डी कौन सा हो गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन हो गया। डी कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन। और जस्ट मैंने पीछे में कहा था चेक करके देख लो, चाहे तो चेक कर सकते हो। देखो इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है, तो चेक करके देखो ये क्रॉस वेलोसिटी इधर है, यानी कि करंट इधर फ्लो हो रही है, करंट इधर फ्लो हो रही है, और इस पर देखो फोर्स इधर लग रहा है भाई। नेगेटिव पार्टिकल है तभी तो उल्टा लगे, अगर पॉजिटिव पार्टिकल होता ना देखो कैसे होता। ये देखो बी, बी को उसको मान लो, मैं कहता हूँ मेरे को मालूम नहीं है, मैं ये कहता हूँ डी पॉजिटिव पार्टिकल है, मैंने मान लिया डी पॉजिटिव पार्टिकल है। तो देखो ये इसका पाथ है, मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, मैंने वेलोसिटी लिखा, ठीक है। तो ये देखो ये बी और ये वी, तो इस पर अगर ये पॉजिटिव पार्टिकल होता ना तो फोर्स ऊपर लगता, इसका डिफ्लेक्शन किधर होता फिर, एंटी क्लॉकवाइज होता। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो रहा है, किधर हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। इसका मतलब ये किधर कौन सा है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। इतना चेक मत करो, माइंड चलाओ। ये देखो न्यूट्रॉन ये हो गया, प्रोटॉन पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, ये दो तो पॉजिटिव हो गए, तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों क्लॉकवाइज में जाएंगे, दोनों एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे। तो दो पार्टिकल ये जा रहे हैं, इसमें से एक अल्फा है एक प्रोटॉन है, तो बाकी बचा हुआ फिर ये क्या हो गया, न्यूट्रॉन। ये बचा हुआ कौन सा हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। अब इन दोनों में से कौन सा अल्फा है कौन सा क्या है, तो इसको देखो बच्चों अपन चेक करेंगे आर से। देखो बच्चों आर का देखो प्रोटॉन जो होता है प्रोटॉन, ठीक है, और अल्फा कण जो होता है अल्फा पार्टिकल, ठीक है। प्रोटॉन को मैं कैसे लिखता हूँ, 1H1, ठीक है। अल्फा पार्टिकल को मैं कैसे लिखूंगा, 2He4। तो इसका मास ऊपर मास होता है, इसका मास हो गया 1m, ठीक है। इसका मास बच्चों कितना हो गया, 4m। इस पर चार्ज कितना होता है, e। प्रोटॉन पर चार्ज होता है e प्लस का e। इस पर कितना हो गया बच्चों, 2e। अब इसकी रेडियस देखनी पड़ेगी, तो देखो रेडियस, इसकी रेडियस देखो कम है, इसकी रेडियस ज्यादा है, पाथ बड़ा है ना इसका। तो रेडियस का देखो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला देखो बच्चों होता है mv³/d। अब दोनों में देखो कांस्टेंट क्या क्या कांस्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या आपको, वेलोसिटी के बारे में देखो, इन चारों की वेलोसिटी सेम है दानगणा, फोर पार्टिकल ये दानगणा सेम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी दानगणा चारों की क्या है, सेम है। तो चारों पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, सेम है। और एक ही मैग्नेटिक फील्ड में ये अप्लाई हो रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड भी दानगणा नहीं बोलूं तो भी समझ लेना मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो इसकी वेलोसिटी वी, इसकी वी, इसकी वी, इसकी वी, तो वेलोसिटी देखो दोनों की वी भी सेम है, वेलोसिटी सेम होगी कट जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के लिए सेम हो गया भाई, दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड में है, दोनों एक ही मैग्नेटिक फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम हो गया। इसका मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि आर जो है वो एम अपॉन क्यू आएगा। आर जो है बच्चों वो क्या आएगा, आर जो है वो क्या आएगा, एम अपॉन क्यू। तो मैं इसका आर निकालता हूं, ठीक है। इसका जो आर आएगा, इसका जो आर आएगा आर ओ प्रोटॉन, ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों एम अपॉन ई। और आर और अल्फा पार्टिकल का जो आएगा वो कितना आएगा, 2m/e, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो आर देखो किसका ज्यादा है, आर जो है वो अल्फा पार्टिकल का ज्यादा है बच्चों, किससे, प्रोटॉन से। ये देखो 2m है, ये m है, तो आर देखो किसका ज्यादा है, इसका आर ये रहा और बच्चों इसका आर ये रहा। तो आर किसका ज्यादा है, अल्फा पार्टिकल का, यानी कि बी कौन सा है, अल्फा पार्टिकल, यानी कि आर ज्यादा है। तो ये तो हो जाएगा बी, और बच्चों ये क्या हो जाएगा, ए। समझ में आ गया, ठीक है। ये सीधा चला गया न्यूट्रॉन, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव पार्टिकल है बच्चे। ये दो, तो इसमें आप ये देख लो रेडियस से, रेडियस देखेंगे mv/qb। वी हर पार्टिकल की सेम है, बी भी सेम है, क्योंकि एक ही मैग्नेटिक फील्ड में चारों है। ये बच्चा क्या, एम और क्यू। अब आपको मास पता होना चाहिए, केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, तो ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो इनका एटोमिक मास होता है, और अपॉन में यहाँ क्या लिखा हुआ रहता है, इनका चार्ज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उतने चार्ज होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, इस पर मास देखो 1, इस पर 4m, इस पर एक इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है पॉजिटिव का, इस पर 2, तो 2 लिख दिया, तो m अपॉन e निकाल दिया मैंने, m अपॉन q है, r क्या होता है m अपॉन q, तो इसका m अपॉन q ज्यादा आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि इसकी रेडियस ज्यादा होगी। तो आप देख लो रेडियस किसकी ज्यादा है, बड़े वाली ज्यादा है, तो b क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल है वो ये b है। समझ में आ गया, ठीक है, नोट करो उसको, समझ में आ गया तो बच्चों उसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में आगे डिस्कशन करते हैं अपन कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैं लिख देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 चार्ज, इस बार चार्ज कितने दिए हैं बच्चों, 3 दिए हैं, एक दिया है प्रोटोन, 3 चार्ज प्रोटोन, 3 चार्ज प्रोटोन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। तो आपको दिया हुआ है 3 चार्ज, ठीक है, 3 चार्ज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल,
आर प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड देन फाइंड रेशो ऑफ देयर रेडी ऑफ सर्कुलर ट्रैक देन ये कंडीशन है देन एक तो इसमें वी सेम हो क्या सेम हो वेलोसिटी सेम हो पोटेंशियल मोमेंटम जो है सॉरी मोमेंटम सेम हो और काइनेटिक एनर्जी जो है वो बच्चों क्या हो सेम हो और दूसरा वी एक्सीलेटेड सेम हो। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, तो बच्चों आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है थ्री चार्ज प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है, ये जो वर्ड है यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स, का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी वेलोसिटी जो है बच्चों वी के क्या है परपेंडिकुलर है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, जो वी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है तो बच्चों पाथ कैसा होता है इसका, सर्कुलर होता है। पाथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है। पाथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है। पाथ जो होगा आपका कैसा होगा बच्चों, सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है, पाथ सर्कुलर होगा, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करनी है, इनकी रेडियस फाइंड करनी है, जब वेलोसिटी सेम हो, जब मोमेंटम सेम हो, जब काइनेटिक एनर्जी सेम हो, और जब बच्चों क्या सेम हो, एक्सीलरेशन सेम हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पार्टिकल लिख देते हैं, कौन कौन से पार्टिकल है बच्चों अपने पास में, तो पार्टिकल का मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। देखो पार्टिकल जो अपने पास में है, एक तो प्रोटॉन है बच्चों, क्या है, एक तो अपने पास में प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, और एक अपने पास में क्या है, अल्फा पार्टिकल है। प्रोटॉन का मतलब होता है 1H1, न्यूट्रॉन का मतलब होता है 1H2 और अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है 2He4, ठीक है। तो इसका मास हो जाएगा 1M, इसका मास हो जाएगा बच्चों 2M और इसका मास हो जाएगा 4M। ये नीचे चार्ज होता है, इसका चार्ज हो जाएगा 1E, इसका हो जाएगा 1E, इसका हो जाएगा बच्चों 2E। अब देखो अपन 1 by 1 फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन रेशो फाइंड करते हैं, जब वेलोसिटी क्या हो, सेम हो। V का मतलब क्या, वेलोसिटी। तो R का फॉर्मूला मालूम है ना, R का देखो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, R का फॉर्मूला क्या था, R का फॉर्मूला था बच्चों MV/QB। MV क्या होता है, P, तो P/QB। P क्या होता है बच्चों, 2M काइनेटिक एनर्जी अपॉन QB, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी की जगह लिखता हूँ QV0/QB, ये फॉर्मूला। तो पहले मैं ये फॉर्मूला काम में लेता हूँ R। तो ये देखो पहला मैं ये केस ले रहा हूँ, तो R इक्वल टू बच्चों MV/QB। तो देखो मैग्नेट क्या क्या चीज़ सेम है सबके लिए, इसमें लिखा हुआ है थ्री पार्टिकल प्रोटॉन आज प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म ट्रांसफर देन फाइंड देयर सर्कुलर। इसमें वेलोसिटी के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या, प्रोजेक्टेड कुछ वेलोसिटी के बारे में दिया हुआ है क्या, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी तो सेम ही है, वेलोसिटी क्या है, सेम है। तो देखो चार पार्टिकल है आपके पास में, तीन पार्टिकल है, क्वेश्चन ऐसे है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड में ये तीन पार्टिकल प्रोजेक्टेड किए जाते हैं। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन देखा था ना, पिछले वाले क्वेश्चन में एक ही मैग्नेटिक फील्ड में कितने पार्टिकल मैंने जब प्रोजेक्टेड करे थे, चार करे थे, इसमें कितने कर रहा हूँ, तीन कर रहा हूँ। तो जो चीज़ सिमिलर है ना वो काट दो, वेलोसिटी सबके लिए सेम है तीनों के लिए काट दो, एक ही मैग्नेटिक फील्ड में भेज रहे हो ये भी काट दो, यानी कि आपके पास में जो रेडियस जो आएगी बच्चों, रेडियस जो आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी M/Q, क्या आएगी बच्चों M/Q। तो फाइंड कर लो बस, M/Q का रेशो होगा वही इनकी रेडियस होगी, तो बच्चों ये हो जाएगा 1/1E और वो जाएगा 2M/1E और वो जाएगा 4M/2E। ये क्या हो जाएगी बच्चों, समझ गए ना, ये हो जाएगी आपके पास में रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन और रेडियस ऑफ अल्फा। कुछ कैंसिल हो रहा है, एम ई एम ई एम ई,
ये रेशो कितना आ जाएगा 1:1, ये रेशो आ जाएगा किसकी, रेशो आ जाएगा रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, जब वेलोसिटी क्या हो सेम हो, जब वेलोसिटी बच्चों क्या हो सेम हो, लिख लिया ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, लिखते रहना साथ साथ में, पहला हो गया। अब मैं दूसरा करता हूँ, जब p क्या हो सेम हो, p बोले तो क्या मोमेंटम। अब इसमें देखो तो इसमें मैं फॉर्मूला कौन सा काम में लूंगा, r इक्वल टू पी, ये हो जाएगा क्यू बी ठीक है। p सबके लिए सेम है, p सबके लिए सेम है, कैंसिल कर दो, b भी सबके लिए सेम है, तो जो रिलेशन आएगा वो आएगा r का 1/q। तो इसमें आ जाएगा देखो रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन रेडियस ऑफ अल्फा, इलेक्ट्रॉन का उल्टा आएगा यानी कि 1/1e, ये हो जाएगा बच्चों 1/1e, ये हो जाएगा 1/2e, कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 ये 2 ये क्या हो जाएगा 1, यानी कि रेशो क्या आ जाएगा 2:1, समझ में आ गया। ये इसका रेशो क्या आएगा 1:1/2 आएगा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि 2:1, लिख लिया। नेक्स्ट देखें ठीक है, ये तो कब हो गया, जब पी क्या हो सेम हो। अब काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला काम में ले लो, अब इसके लिए लेते हैं। अब रेडियस का फॉर्मूला देखो, काइनेटिक एनर्जी वाला कौन सा होता है, √2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू बी। सिमिलर क्या क्या है बच्चों, सिमिलर देखो 2 कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी सबके लिए सेम है, बी सेम है, तो इस बार जो आपके पास में रेडियस का जो फॉर्मूला आएगा वो जाएगा बच्चों √m डिवाइडेड बाय क्यू। तो इस बार जो आपके पास में आएगा रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन और रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ये हो जाएगा देखो √1m डिवाइडेड बाय ई, ये हो जाएगा √2m डिवाइडेड बाय ई ठीक है रेशो, और ये हो जाएगा √2m डिवाइडेड बाय 2e। तो देखो √m e और इसका कितना होता है √4 का, √4 2 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√1, ये हो जाएगा √2, ये बच्चों कितना हो जाएगा 1, समझ गए ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब जो जो आपको पूछे ना वो फॉर्मूला आप यूज लेते रहो। फाइन सिंपल सा क्वेश्चन है, रेशो फाइंड करना है, उसके बाद में एक्सीलेटेड, ये पोटेंशियल है बच्चों, ये क्या है वी नोट दिया हुआ है, ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला काम में ले लो यार ठीक है। कौन सा फॉर्मूला काम में ले लो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस का देखो फॉर्मूला जो मैं काम में लूंगा इसके लिए, इस बार इसके लिए काम में लेते हैं अपन। तो आर का फॉर्मूला देखो, पोटेंशियल डिफरेंस में लास्ट वाला फॉर्मूला देखो, ये हो जाएगा 2m ठीक है क्यू वी नॉट, वी नॉट का मतलब पॉजिटिव, जिस पोटेंशियल से आप उसको एक्सीलेटेड करते हो वो, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा क्यू बी, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा क्यू डी। क्या क्या चीज सेम है, 2 कांस्टेंट हो गया, एक्सीलेटेड मतलब जिस पोटेंशियल पर आपने एक्सीलेटेड करा है वो भी सबके लिए सेम है, और ए की बी में करा है, तो ये जो आपके पास में आएगा आर, ये इस बार जो आएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो ये एम, ये क्यू को मैं रूट में लूंगा तो क्यू से क्यू कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा क्यू बचेगा, तो √m बाय क्यू, तो ये हो जाएगा प्रोटॉन का बच्चों, ये हो जाएगा न्यूट्रॉन का, और ये हो जाएगा बच्चों किसका अल्फा का ठीक है। ये समझ में आ गया ना भाई, रूट है ना देखो इस पर जब मैं रूट लगाऊंगा ना तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा ये ठीक है, ऐसे मैंने करा है, ये जनरल मैथमेटिक्स है ठीक है। तो आप देखो निकालते हैं √√1m e √2m e रेशो, फिर ये हो जाएगा √4m/2e ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, m e √1 का कितना होता है 1, √2 का बच्चों कितना होता है 2, और ये कितना हो जाएगा √2। तो इस बार रेशो कितना हो जाएगा इनका, रेडियस का 1:√2 ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस पार्टिकल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप केमिस्ट्री में सीखोगे या फिर आप फिजिक्स के अंदर जो मॉडर्न फिजिक्स आएगा उसमें सीखोगे। अल्फा पार्टिकल जो होता है हीलियम का नाभिक होता है, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, और प्रोटॉन क्या होता है द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, और न्यूट्रॉन जो होता है उसका आइसोटॉप्स होता है, समस्थानिक होता है ठीक है, इसको रब कर दूं मैं। नेक्स्ट देखो बच्चों अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल के बारे में अपन बात करते हैं इसमें। नेट बच्चों नेक्स्ट जो नेक्स्ट है वो अपन बात करते हैं टाइम स्पेंड इन
मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब कोई पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों देखो जब एंटर होता है तो कितना टाइम बच्चों वो स्पेंड करेगा। इसमें भी तीन केस अपन लेंगे, ठीक है। तो देखो कौन कौन से केस लेंगे, तो पहले तो मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास में क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और तीन पॉसिबिलिटी ये बनती है कि मेरा चार्ज पार्टिकल जो है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये वी वेलोसिटी के साथ में आया, ठीक है, और वी वेलोसिटी के साथ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। और या तो देखो वो ओरिजेंटली ऐसे मूव करें एक ऐसे, या फिर बच्चों वो ऐसे मूव करें, ठीक है, या फिर वो ऐसे एंटर करें। तीन तरीके से देखो एंटर कर सकता है, या तो बच्चों वो ऐसे एंटर करेगा, यानी कि ओरिजेंटल के साथ में बच्चों कितना एंगल बनाएगा, फाइव एंगल बनेगा, कितना बनाएगा फाइव, ठीक है। तो एक केस तो ये हो गया कि ऐसे एंटर करे, दूसरा केस ये हो गया ऐसे एंटर करे, तीसरा केस ये हो गया ऐसे एंटर करे, ठीक है, ये एंटर कर रहा है। और मैं एंगल जो भी बाद में बता दूंगा, ठीक है, एंगल बाद में ले लेंगे, कोई नहीं। तो देखो कोई भी आपके पास में आपको ये फाइंड करना है कि एक चार्ज पार्टिकल है, देखो या तो चार्ज पार्टिकल जो है परपेंडिकुलर एंटर करेगा ऐसे, ठीक है, या चार्ज पार्टिकल जो है तो तीनों ही परपेंडिकुलर है, ओरिजेंटल के साथ में जीरो एंगल बना रहा है, या तो ऐसे एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, या पॉजिटिव पार्टिकल ऐसे एंटर करें, ठीक है ना, या फिर बच्चों आपके पास में जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो ऐसे एंटर करें। तो तीन केस है, अपन तीनों केस देखो बच्चों वन बाई वन अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो समझ गए, कोई भी पॉजिटिव पार्टिकल जो है, मैं पॉजिटिव पार्टिकल, या तो पॉजिटिव पार्टिकल देखो ऐसे एंटर करेगा ओरिजेंटल के साथ में एंगल थीटा बना रहा है, इसमें इसमें ओरिजेंटल के साथ में जीरो एंगल बना रहा है, इसमें ओरिजेंटल के साथ में बच्चों ये थीटा एंगल बना रहा है ऐसे, समझ में आ गया। तीन केस है, इन तीन केस को बच्चों वन बाई वन अपन डिस्कस करते हैं। तो अपन ये फाइंड करने जा रहे हैं कि आपके पास में बच्चों एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल जब एंटर करेगा तो कितने टाइम तक वो इस फील्ड में रहेगा, कितने टाइम तक इस फील्ड में रहेगा। तो टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आगे लिख लो बाय चार्ज पार्टिकल। और टाइम स्पेंड का मतलब समझ में आ गया, टाइम स्पेंड का मतलब हिंदी में लिख लेना कि कितने टाइम तक जो पॉजिटिव क्यू है वो बी में रहेगा। आपको ये फाइंड करना है कि कितने टाइम तक आपका पॉजिटिव चार्ज जो है इस मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, उसके बाद में वो क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। तो अब देखो इसको अपन पढ़ते हैं टाइम स्पेंड को, ठीक है, तीनों केस वन बाई वन इसके डिस्कस करते हैं और फिर अपन देखते हैं कि भाई साहब कौन सा चार्ज कितने टाइम तक रहता है। तो ये देखो मैंने एक ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा, ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, और यूनिफॉर्म बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, चौक येलो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड दिख तो रहा है ना, या चौक चेंज करें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, येलो चौक देखते हैं, रुको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है बच्चों मैंने, ध्यान में रखना, जो पहला जो मैंने लिया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ मैं। अब इसमें देखो क्या है, ये ओरिजेंटल लाइन गिवन है बच्चों, ये क्या गिवन है, ओरिजेंटल लाइन गिवन है, और मैं कहता हूँ कि मेरा जो चार्ज पार्टिकल है ऐसे एंटर कर रहा है ओरिजेंटल के साथ में, किस एंगल के साथ में, एंगल बच्चों में ये अल्फा ले रहा हूँ, किस एंगल के साथ में, अल्फा के साथ में, ठीक है। तो फोर्स देखो बच्चों किधर लगेगा, ये बी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस में, मैग्नेटिक फील्ड देखो क्रॉस में है, वेलोसिटी इधर है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स जो अपना लगेगा परपेंडिकुलर लगेगा, ये देख लो परपेंडिकुलर है कि नहीं है, दिख तो रहा है ना बच्चों, ये वर्टिकल लाइन, ये देख लो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, एंगल कितना हो गया 90। तो बच्चों ये किधर घूमेगा, पॉजिटिव पार्टिकल है, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जब इसमें एंटर करता है ना तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा कि नहीं घूमेगा, देख लो राइट हैंड लो से बी क्रॉस में वेलोसिटी इधर, तो अंगूठा थंब देखो मेरा, ये पाम देखो ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, भाई साहब राइट हैंड रूल क्रॉस बी, थंब को पॉजिटिव पार्टिकल के डायरेक्शन में या करंट के डायरेक्शन में, तो ये क्रॉस और ये थंब किसको दिखाएगा, वेलोसिटी को, तो फोर्स देखो ऊपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना फोर्स ऊपर, तो इसका जो मोशन होगा वो ऐसे होगा, ठीक है, इसका मोशन जो होगा बच्चों ऐसा होगा,
और ये इसका सेंटर होगा और ये ऐसे होते हुए मुंह निकलेगा ऐसे, ठीक है। एंगल फाइंड कर लेते हैं बच्चों, देखो ये अल्फा के साथ में आया था तो अल्फा के साथ में वापस ये जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स होती है वो स्पीड को चेंज नहीं करती है, ठीक है ना। तो ये वापस आने का, ये अल्फा के साथ में वापस निकलेगा वी वेलोसिटी से ऐसे, और ये इसका सेंटर है। क्या है ये? सेंटर है सी। अब एंगल के बारे में देखो कुछ बात कर लेते हैं बच्चों, अपन एंगल के बारे में देखो बात करते हैं, ध्यान से देखना एंगल के बारे में, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना एंगल के बारे में। ये देखो ये एंगल बच्चों अल्फा है वी का ओरिजेंटल के साथ में, किसके साथ में? ओरिजेंटल के साथ में। ये अल्फा है तो बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। और ये एफ का वी के साथ में पूरा एंगल कितना है? 90 है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? अल्फा। समझ में आ गया? देखो भाई ये वर्टिकल लाइन, ये ओरिजेंटल लाइन, ये एंगल कितना है? अल्फा। ओरिजेंटल और वर्टिकल में एंगल कितना हो गया? 90 हो गया। तो ये पूरा एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल 90 था, कितना था? 90। और ये वाला अल्फा, तो ये कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। अब इस फोर्स का वी के साथ में एंगल 90 है तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? अल्फा। ये अल्फा होगा, सिमिलरिटी से बच्चों ये भी कितना होगा? अल्फा। कैसे होगा देख लो, ठीक है। देखो ये अल्फा है तो बच्चों ये वाला एंगल जो है आपके पास में, ये वाला एंगल, ये कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। ये 90 माइनस अल्फा और ये आपके पास में यहाँ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो ये कितना होगा? अल्फा। ये अल्फा, ये अल्फा, एंगल समझ में आ गया ना? देखो ये एंगल अल्फा है, आप चाहो तो अंदर से समझ लो। देखो ये अल्फा है, ये ओरिजेंटल है और ये आपका वर्टिकल है, ये अल्फा। तो बच्चों ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। और वी का फोर्स के साथ में एंगल कितना होता है? 90 होता है। तो ये कितना होगा? अल्फा। तो ये ट्राइंगल बना कि नहीं बना? ये ट्राइंगल बन गया। और तो ये एंगल कितना होगा बच्चों? ट्राइंगल में एंगल कितना होता है? 180 होता है। तो ये होगा पाई माइनस टू अल्फा। कितना होगा? पाई माइनस टू अल्फा, ठीक है। अब आपको पता है कि जब वो पूरा एक सर्किल ट्रेवल करता है तो टाइम पीरियड कितना होता है? टू पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है। और इसमें बच्चों वो पूरा एंगल कितना ट्रेवल करता है, इसमें ऐसे लिखूंगे, देखो टू पाई एंगल ट्रेवल, तो जो टाइम होता है कितना होता है बच्चों? टू पाई क्यू बाय, टाइम कितना होता है? टू पाई क्यू बाय टी। भाई साहब जब आपका कोई चार्ज पार्टिकल पूरा एक सर्कुलर मोशन करता है, पूरा एक सर्कुलर मोशन करता है तो उसको टाइम कितना लगता है? टू पाई एम क्यू बाय, टाइम पीरियड ये होता है। टाइम पीरियड क्या होता है? टू पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी। और इसमें एंगल कितना ट्रेवल करता है? 360। जब एक पार्टिकल पूरा सर्किल ट्रेवल करेगा, जब एक पार्टिकल पूरा सर्किल ट्रेवल करेगा तो 360 का एंगल ट्रेवल करता है। तो इसमें कितना करेगा, ठीक है, टू पाई एम क्यू बी इंटू वन अपॉन टू पाई, टू पाई से टू पाई कैंसिल हो जाएगा। अपन को कितना एंगल ट्रेवल कराना है? अपन को एंगल ट्रेवल कराना है पाई माइनस टू अल्फा। तो पाई माइनस टू अल्फा में बच्चों एंगल कितना हो जाएगा इसका? एम क्यू बी टू पाई, सॉरी सॉरी टू पाई नहीं, पाई माइनस टू अल्फा। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा, समझ में आ गया? देखो जब पूरा साइकिल ट्रेवल करता है ना तो एम के साथ में कितना है? टू पाई। इसको ऐसे याद रखो, एम के साथ में कितना है? टू पाई। क्योंकि वास्तव में जब आपका एक पार्टिकल एक साइकिल ट्रेवल करेगा ना तो टू पाई का एंगल ट्रेवल करता है, तो टू पाई आया है। इसमें देखो जब पार्टिकल, देखो बच्चों यहाँ से एंटर हुआ, यहाँ से एंटर हुआ, ठीक है ना, यू यहाँ से एंटर हुआ, यू होते हुए वापस निकल गया, तो उसने एंगल कितना ट्रेवल करा? ये पाई माइनस टू अल्फा। एंगल सेंटर से दिखा जाता है, पार्टिकल यूँ आया ऐसे, तो ये सेंटर है, तो इस एंड को सेंटर से मिलो, इस एंड को सेंटर से मिलो, ठीक है ना। यहाँ से अगर यूँ यहाँ तक आया है तो इसने ये एंगल ट्रेवल करा है, ये कितना है? पाई माइनस टू अल्फा। ये एंगल कितना है? पाई माइनस टू अल्फा। तो टाइम पीरियड कितना आएगा? टाइम पीरियड आ जाएगा एम क्यू बी पाई माइनस टू अल्फा। इसको नोट करें बच्चों, ठीक है। उसके बाद में पहला केस हो गया, ठीक है, कि अल्फा के साथ में ऐसे एंटर करता है वो, ठीक है। और ये जो अल्फा है, दूसरा केस देखो उसी में, ये वर्टिकल लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ मैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाने रखना बच्चों कैसा है? यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बच्चों? यूनिफॉर्म है। अब इस बार क्या है कि मेरा जो चार्ज पार्टिकल है वो ओरिजेंटल के साथ में जीरो एंगल बना रहा है, यानी कि हॉरिजेंटली एंटर करता है, यानी कि पॉजिटिव क्यू जो है वो हॉरिजेंटली एंटर होता है,
यानी कि इस बार अल्फा कितना लिया है मैंने, जीरो लिया है। ठीक है, अल्फा ओरिजेंटल के साथ में एंगल होता है, और ये देख लो ये ओरिजेंटल ही तो है, ये एच का मतलब ओरिजेंटल ही एंटर हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, एंटर होगा फोर्स, देखो ये क्रॉस, ये इधर फोर्स किधर लगेगा इसमें, ठीक है फोर्स इधर लगेगा ऐसे। तो ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल एंटर हुआ है, ये यूँ होते हुए ऐसे भाई जीरो के साथ में है, अल्फा कितना है, जीरो है। तो यहाँ पर बच्चों आपको अल्फा कितना मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, ऐसे निकल जाएगा ओरिजेंटल के साथ में, वापस निकल गया। और इसका सेंटर जो है वो यहाँ आएगा, इसका सेंटर इस बार यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये देख लो आधा सर्किल हुआ कि नहीं हुआ भाई, कितना टाइम लगेगा, 2πm/qb, ये टाइम पीरियड होता है, इसका आधा कर दो बस, इसका आधा कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा πm/qb, कितना हो जाएगा qb, ये टाइम पीरियड हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइम भाई। पूरे एक साइकिल में टाइम कितना लगता है, पूरे एक साइकिल में टाइम कितना लगता है, 2πm/qb, इसका आधा लगेगा। और आप देख लो खुद कि एंगल इसने कितना ट्रेवल करा है, ये एंगल देख लो कितना ट्रेवल करा है इसने, पाई करा है कि नहीं करा है। तो m के साथ में देख लो कितना आ रहा है, पाई, m के साथ में कितना आ रहा है, पाई। तो ये तो जब हो गया, जब आपका चार्ज पार्टिकल कैसे एंटर करेगा, हॉरिजेंटली, कैसे एंटर करेगा बच्चों, हॉरिजेंटली, ठीक है। लास्ट केस और देखो इसका, ठीक है, इसमें ध्यान रखना, जब भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जब ये हॉरिजेंटली एंटर करता है ना, तो इसका सेंटर इस लाइन पर आएगा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना, इसका सेंटर यहाँ आएगा जब ये हॉरिजेंटली एंटर करता है। देखो अल्फा कितना लिया है मैंने, जीरो, हॉरिजेंटली एंटर कर रहा है ये। नेक्स्ट देखो, लास्ट केस और है इसका, लास्ट में वही मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं अपन। तो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड ध्यान में रखना, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया मेरा, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जाने का बच्चों कैसा है, यूनिफॉर्म। और ये सब बच्चों ये ऐसे एंटर कर रहा है, डायग्राम थोड़ा ऐसे, इस बार ऐसे एंटर कर रहा है, और इस बार जो मैंने अल्फा एंगल लिया है ये लिया है, ये आपके पास में ओरिजेंटल है। पिछले केस में जो अल्फा लिया था वो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज था पहले केस में, इसमें क्लॉकवाइज है ये, ठीक है। तो अल्फा मैंने ऐसे लिया, और बच्चों ये ओरिजेंटल लाइन है ये। तो इस बार देखो कैसे, देखो फोर्स किधर लग रहा है, देखो फोर्स को, देखो फोर्स को बताता हूँ मैं, ये बी क्रॉस वेलोसिटी बी, तो फोर्स इस बार देखो बच्चों ऐसे लग रहा है, यानी कुछ समझ में आया, यानी कि सेंटर इसका यहाँ बनेगा। इससे पीछे वाला जो केस लिया था, पहला ही पहला केस, उस पहले वाले केस में देखो ऐसे था यूँ, पहला जो केस लिया था ना मैंने, पहले वाले केस में वो ऐसे एंटर कर रहा था बच्चों ऐसे ऐसे, तो वेलोसिटी ऐसे थी, तो वेलोसिटी ऐसे थी, तो मैग्नेटिक फोर्स बच्चों इधर आ रहा था, मैग्नेटिक फोर्स इधर था, तो जिधर मैग्नेटिक फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है, तो सेंटर कहाँ आ रहा था बच्चों, उसका बाहर आ रहा था। पहला जो केस लिया था जिसमें वो ऐसे एंटर कर रहा था अल्फा के साथ में, ठीक है ना, ये आपका बच्चों ये क्या है, ओरिजेंटल है, ये क्या है अल्फा, तो इसमें देखो मैग्नेटिक जो फोर्स है वो ऐसे लग रहा था। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है, तो मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, तो सेंटर देखो बाहर आ रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, सेंटर किधर आएगा, अंदर आएगा, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो सेंटर की तरफ लगता है। तो अब जो इसका जो पाथ आएगा, इसका पाथ बच्चों ऐसे यूं आएगा, ऐसे 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 पाथ होगा, ये सेंटर हो गया, और वापस बच्चों ये अल्फा के साथ में आया था, और अल्फा के साथ में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी देख लो, ये इसका सेंटर हो गया, ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स देख लो, क्रॉस वेलोसिटी इधर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना क्या है ना, क्रॉस, ठीक है, ये वेलोसिटी, मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा टूवर्ड द सेंटर, ठीक है। अब इसका एंगल देखो, इसने ये वाला एंगल ट्रेवल कर रहा है, ये वाला एंगल, अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, तो ये एंगल देखो निकालना सीखते हैं। देखो ये क्या बन गया बच्चों, ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। देखो बच्चों एंगल निकालना सीखो, देखो बच्चों ये कितना है अल्फा, कितना है अल्फा, तो बच्चों ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस अल्फा,
भाई साहब ये पूरा एंगल फोर्स का वी के साथ में एंगल 90 है, तो ये अल्फा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा। और ये देखो ये वर्टिकल ये हॉरिजेंटल, तो ये वर्टिकल ये हॉरिजेंटल ये 90 है, इसका मतलब बच्चों ये एंगल कितना होगा अल्फा, ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा अल्फा। तो बच्चों ये कितना होगा, ये हो जाएगा पाई माइनस टू अल्फा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, इस एंगल को अगर मान लो मैं फाई मानूँ, क्या मानूँ बच्चों फाई, क्या मानूँ मैं फाई मानता हूँ इसको मैं, ये समझ में आ गया ना। देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल में कितना होता है 180 होता है 180 होता है, तो ये अल्फा अल्फा टू अल्फा, तो ये देखो पाई माइनस टू अल्फा प्लस फाई कितना होगा 360 होगा, 360 बोले तो कितना टू पाई, तो अल्फा कितना होगा पाई प्लस टू अल्फा, यानी इतना एंगल उसने इस बार ट्रेवल करा है, इतना एंगल ट्रेवल एंगल हो गया, ये ट्रेवल एंगल हो गया इतना। तो ये वाला जो एंगल आएगा ये कितना आएगा बच्चों पाई प्लस टू अल्फा, पाई प्लस टू अल्फा। कहानी वैसे लिखेंगे, कहानी क्या लिखेंगे बच्चों इसमें, कहानी क्या लिखेंगे अपन इसमें, कहानी लिखेंगे अपन जो स्टेटमेंट जो लिखेंगे कि इन टू पाई एंगल ट्रेवल, तो जो टाइम जो अपन को लगता है भाई, टू पाई का मतलब एक साइकिल हो गया, एक साइकिल में टाइम पीरियड कितना होता है टू पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू भी होता है, तो यूनिट के लिए बच्चों कितना होगा 2 पाई एम क्यू बी इंटू टू पाई, 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब जब ये पार्टिकल देखो यहाँ से एंटर हो रहा है और यूं जा रहा है, तो इसने एंगल कितना ट्रेवल करा है, ये वाला एंगल ट्रेवल करा है इसने फाई, ये मत ले लेना, ये ऐसे यूं जा रहा है सेंटर इस बार अंदर है, तो पाई प्लस टू एल्फा में जो टाइम आएगा वो जाएगा बच्चों एम क्यू बी इंटू पाई प्लस टू अल्फा, पाई प्लस टू अल्फा, ये एंगल आ जाएगा पाई प्लस टू अल्फा, ठीक है। तो एम के साथ में हमेशा ध्यान रखना वो एंगल आएगा जो ट्रेवल करेगा, जब एक पूरा साइकिल होता है, जब एक पूरा साइकिल होता है वो तो टू पाई एंगल ट्रेवल करता है, तो टाइम पीरियड जो का जो फॉर्मूला आया था टाइम पीरियड का टू पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू भी आया था, तो इसमें तो पूरे एक साइकिल में 2 पाई का एंगल ट्रेवल करता है, तो एम के साथ में 2 पाई आया था, इसमें कितना एंगल ट्रेवल करा इसने पाई प्लस 2 अल्फा, कितना पाई प्लस 2 अल्फा, तो एम के साथ में देख लो कितना आया पाई प्लस 2 अल्फा। तो ये तीन केस होंगे टाइम स्पेंड के, इसमें सेंटर का ध्यान में रखना, इसमें सेंटर अंदर था पहले वाले केस में सेंटर बाहर था, और बिल्कुल अगर वो वर्टिकली बिल्कुल सॉरी हॉरिजेंटली बिल्कुल हॉरिजेंटली अगर एंटर करेगा ना तो सेंटर इस लाइन पर आएगा, तो सेंटर का खास करके ध्यान में रखना, सेंटर इधर आएगा सेंटर बाहर आएगा या सेंटर अंदर आएगा या सेंटर ओरिजिनल लाइन पर आएगा, तो इस में खास करके ध्यान से रखना। चाहो तो मैं शॉर्टकट में लिखा देता हूँ उसको, लिखा क्या देता हूँ बच्चों उसको डिटेल से पूरा ध्यान में रखें, कल मैं लिखा दूंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेक्चर लंबा हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये वाला लेक्चर अपन को अपन यही एंड करते हैं, टाइम स्पेंडिंग का आ गया, ठीक है ना, सर्कुलर पाथ आ गया, स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ को बड़ी शानदार से विद कंसेप्ट विद शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, पढ़ेंगे हेलिकल पाथ का, तो इसको नोट कर लें सब कुछ को, इसको सारा नोट कर लें, ठीक है ना, पढ़ते रहें रिविजन करते रहें गाइड सॉल्व करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।